गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कीबोर्ड। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द इनपुट डिवाइसेज वन बाय वन। सो द टुडेज टॉपिक इज कीबोर्ड। सो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू टाइप ऑन इट। कीबोर्ड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिसके किस लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, अब आप सबने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। कीबोर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कीज़। ठीक है, कीबोर्ड में यूजुअली 101 से लेकर 105 कीज़ होती है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की हो गया, नंबर कीज, स्पेशल कीज एंड फंक्शन कीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ कीज वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट कीज। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज माउंट ऑन अ कीबोर्ड विद द लेटर्स ए टू जेड। अब कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज होती हैं जो कहाँ ए से लेके जेड तक होती है। ठीक है, और इन कीबोर्ड्स का, इन कीज़ का हम किस लिए यूज़ करते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस को टाइप करने के लिए। कीबोर्ड में जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट लाइन में है कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये जो लेटर है इसको हम बोलते हैं क्वर्टी, और इसी वजह से जो इस कीबोर्ड का नाम है इसको हम क्वर्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हम अल्फ़ाबेट कीज़ को क्वर्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो फर्स्ट लाइन में आता है वो है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, दैट इज़ क्वर्टी। ओके, नेक्स्ट इज नंबर कीज़। देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड मार्क विद द नंबर्स 1, 2 एंड सो ऑन टिल 9 एंड 0। ठीक है, अब नंबर की जो होता है, कीबोर्ड में नंबर कीज़ भी होती हैं। अब हमें जब नंबर वगैरह डालने होते हैं या कोई सॉल्यूशंस करने होते हैं, कोई कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उसके लिए हमें चाहिए नंबर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही जो कीबोर्ड है उसमें बहुत सारे नंबर कीज़ होती हैं। एक होती हैं जो आपके जो अल्फ़ाबेट कीज़ है उसके ऊपर होती है। ठीक है, वो भी होती है 1 से लेकर 9 तक होती है, और 0 भी होता है उसमें। ठीक है, और एक होती है आपके राइट हैंड साइड में नंबर कीज़ का एक कॉलम होता है, आप वहाँ से भी नंबर कीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल कीज़। अब स्पेशल कीज़ नाम से पता चल रहा है ना कि इन कीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी, ये बहुत अलग अच्छे अच्छे कीज़ होंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहला स्पेशल की कौन सा है, एंटर की। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हाइल टाइपिंग। अब एंटर की का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, ये जो कर्सर होता है उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कर्सर होता क्या है। अ कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर क्या होता है, जो हम मॉनिटर देखते हैं ना, मॉनिटर में एक ब्लैक कलर का लाइन होता है, वो ब्लिंक करता है या तो चमक रहा होता है स्क्रीन पे, उसको हम बोलते हैं कर्सर। और उसी को जब हमें नेक्स्ट लाइन में लाना होता है टाइपिंग करने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंटर की का। ठीक है, एंटर की को हम रिटर्न की भी बोलते हैं, और एंटर की कीबोर्ड में 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेस बार की। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस टू द राइट ऑफ अ वर्ड। अब स्पेस बार की क्या होता है, ये कीबोर्ड में सबसे लंबा की जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की, और इसका यूज़ किस लिए होता है, जब हमें किसी वर्ड्स के बीच में स्पेस देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैप्स लॉक की। इट इज़ एन ऑन ऑफ की। इफ़ द कैप्स लॉक की इज़ ऑन, कैपिटल लेटर्स आर टाइप्ड। इफ़ द कैप्स लॉक की इज़ ऑफ, स्मॉल लेटर्स आर टाइप्ड। अब कैप्स लॉक क्या होता है, हमें किसी भी सेंटेंस को कैपिटल करने के लिए हम कैप्स लॉक की क्या होता है, कैप्स लॉक की एक ऑन और ऑफ की होता है। ठीक है, जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तो जितने भी लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होता है। जब हम कैप्स लॉक की को ऑफ करते हैं तो जो भी लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैक स्पेस की। इट इज़ यूज टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। दिस इज़ द लास्ट की इन द रो ऑफ नंबर कीज मार्क विद बैकवर्ड एरो। अब बैक स्पेस की क्या होता है, बैक स्पेस की जो है वो इरेज करने के लिए यूज़ होती है। जब हमें लेटर को इरेज करना होता है ना, जब हम नॉर्मली कॉपी में लिखते हैं तो हम पेंसिल से लिखते हैं और इरेजर से इरेज कर देते हैं ना, तो अब जब हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो उसको इरेज करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस की। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ये होता है जो नंबर कीज़ का रो होता है ना, नंबर की जहाँ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेट कीज़ है उसके ऊपर एक नंबर की लाइन होती है, ये उसी रो में होती है, और इसमें कैसा दिखता है, ये एक बैकवर्ड एरो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़। देर आर 12 फंक्शन कीज़ मार्क विद F1 to F12। दिस की परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब फंक्शन की क्या होते हैं, कंप्यूटर में
टोटल 12 फंक्शन कीज, कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कीज होती है जो F1 से लेकर F12 तक स्टार्ट होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। ये फंक्शन कीज जो होती है ये सबसे ऊपर रो में होती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन कीज होती है, और इन फंक्शन कीज़ का अपना खुद का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल F5 है, F5 हम यूज़ करते हैं रिफ़्रेश करने के लिए, जब हमें अपना पेज रिफ़्रेश करना होता है ना तो हम F5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट कीबोर्ड, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ इट्स फंक्शंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल रैप दिस क्लास, थैंक यू सो मच।